हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूं देखिए दो वीडियो यहां पर हमने, हमने निफ्टी के आउटलुक और कौन से सेक्टर रैली करेंगे इससे रिलेटेड यहां पर हम आ, बात कर चुके हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड जिसका नाम है के एनर्जी लिमिटेड एनर्जी मतलब एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स है तो यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी एनर्जी की तो निफ्टी एनर्जी में आपको पता चलेगा कि जो निफ्टी एनर्जी है ओके लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा गिरने के बाद आ चुकी है ओके और और यहां से अच्छी खासी रैली अगेन यहाँ पर करती हुई दिखाई दे सकती है और इसने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है अभी तक वो परफॉर्मेंस लाजवाब है निफ्टी एनर्जी का और निफ्टी एनर्जी काफी ज्यादा पॉपुलर होती हुई भी नजर आई है तो के पी एनर्जी इससे पहले हमने कभी बात करी है बिल्कुल भी नहीं हमने कभी भी केपी एनर्जी से रिलेटेड बात नहीं करी है ओके और इसके पीछे अब बात करने का मतलब क्या है इसके पीछे बात करने का मतलब ये है कि सिंपल यहाँ पर आ, ये शेयर है जो काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई देता है ओके तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले और जानेंगे इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड कि एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है यहाँ पर एग्जेक्टली exactly होता क्या नजर आ रहा है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो के पी एनर्जी से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे और जानेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ पॉइंट यहाँ पर एक आर्टिकल है उस आर्टिकल को हमें क्या है पढ़ना है तो यहाँ पर आपको पता चलेगा केपी एनर्जी अलायस विद आदित्य गुरला बिरला ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप आप सभी अवेयर है ओके एक बहुत बड़ा ग्रुप है ओके okay, एक तरीके से और बात करें इसके साथ इन्होंने अलाइनमेंट किया है मतलब एक हुआ है, worth रुपीज, 2, होता हुआ, नजर आया बिटवीन केपी एनर्जी और इनके बीच में okay, और अगर हम यहाँ पर बात करें इस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड और रिलेटेड तो आपको पता चलेगा यहाँ पर और भी कुछ चीजें यहाँ पर दे रखी है तो यहाँ पर जो इनका प्लांट है वो यहाँ पर गुजरात में गुजरात से यहाँ पर विंड एनर्जी के थ्रू यहाँ पर एनर्जी जनरेट की जाएगी के और आदित्य बिटला ग्रुप को यहाँ पर दी जाएगी और यहाँ पर एक लाइन और पड़ी है केपी एनर्जी अगेंस्ट वर्क कंप्लीशन ऑफ द रेस्पेक्टिव माइलस्टोन्स तो ये तो जो माइलस्टोन्स है मतलब जो ये काम इन्हें सौंपा गया है ओके okay, उसके रिगार्ड उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट है ना वो यहाँ पर इन्हें मिलने भी शुरू हो गई है तो मतलब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी ओके okay, और आने वाले जब यहाँ पर नंबर आएंगे तो यहाँ पर शायद उसकी एक झलक मिलती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर चार्ट और एज वेल एज कंपनी के जो कुछ से पैरामीटर है ना वो यहाँ पर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं तो समझ में आ गया क्या बिजनेस है इनका ओके okay, यहाँ पर और भी कुछ जानने के लिए एक बार आप चाहे तो यहाँ पर जा सकते हैं Uh, इनकी वेबसाइट पे तो आपको और भी चीजें चल जाएगी। मतलब रिलेटेड सोलर से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है ये इनके प्रोजेक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर द विंडार्म प्लस मेगा टिल डेट ओके यहाँ पर ये दे रखा है 300, ये सब चीज पर दे रखा है और ये शेयर जो बी एस सी लिस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ एनएससी तो ट्रैक करना है बट बी एस सी ज्यादा ट्रैक करना है क्यों क्योंकि तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर केवल और केवल बी एस सी को ही ट्रैक करते हैं और ऐसे स्टॉक्स बी एस सी पे मिलते हैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस दे रखा है इन्होंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पर और भी कुछ है तो यहाँ पर जान सकते हैं इनके एमडी है इनके डब्लू टी डी है ये इन्होंने अपने बारे में बता रखा है तो वही सब यहाँ पर है बिजनेस मॉडल देख सकते हैं कि ईपीसी ई पी सी से रिलेटेड क्या इनके स्कोप ऑफ द सर्विसेज है ओके okay, वो सब चीजें तो हम बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं तो आपको पता चलेगी मार्केट कैप थ्री करोड़ की जब मैं बात करता हूँ Uh, कि आपको पैसा बनाना है तो पैसा कहाँ बनेगा वो ही छोटी कंपनीज में बनता हुआ नजर आएगा बड़ी कंपनीज में थ्री नाइनटी नाइन करोड़ रुपीज का क्या है मार्केट कैप यहाँ पर नजर आता है इसके अलावा स्टॉक का पी फोर्टीन का इंडस्ट्री का पी ट्वेंटी फाइव का तो 14 है uh, okay, तो फोर्टीन के मल्टीप्लाई पे शेयर चल रहा है ओके तो ज्यादा भी यहाँ पर शेयर नहीं चल रहा है सस्ता ही नजर आता है आर ओ के आसपास की है इसके अलावा कंपनी की बात करें थ्री सेवन का इसने प्रीवियस हाई बनाया था ओके तो उसके बाद ये हाफ होता हुआ नजर आया तो वही मैं बताता हूँ कि अगर ऐसे शेयर रिटर्न देते हुए नजर आते हैं तो ऐसे शेयर गिरते हुए भी नजर आते हैं जो कि चार्ट में आपको पता चल जाएगी कि एक हाई बनाया उसके बाद लगातार यहाँ पर लगभग आधा हो गया शेयर और फिर उसके बाद दोबारा कम इसने कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर लगभग ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है और इस वजह से भी ये शेयर बताने का पीछे एक रीजन है प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ यहाँ पर कुछ ऐसा खास होता हुआ नजर नहीं आया बट जिस तरीके से इसे अब ऑर्डर मिल रहे हैं और जिस तरीके से सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है आगे चल के ओके तो यहाँ पर कुछ अच्छा होने की उम्मीद है इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख रहा है तो इसी वजह से शेयर को यहाँ पर बताया जा रहा है सत्ताईस परसेंट के आसपास का यहाँ पर डाटा कोई प्लेजिंग नहीं है चार्ट हम देख चुके हैं किस तरीके का चार्ट है 2016 में कंपनी आई थी ऊपर गई नीचे गई फिर ऊपर नीचे इस तरीके का काम इसमें होता हुआ नजर आ रहा है रिजल्ट की बात करें तो कंपनी लगातार अच्छे खासी सेल्स हो करती हुई नजर आई है और हाईएस्ट एवर सेल्स अभी भी आ रही है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हाइएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बट मार्जिन पे इफेक्ट आया है इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का मार्जिन देखिए लगभग थर्टीन फोर्टीन के आसपास है जो की क्वार्टरली यहाँ पर कम आता हुआ दिखाई दिया बट कंपनी का नेट प्रॉफिट और ये सारी चीजें अच्छी है तो देखिये अभी जब मार्केट गिर रही थी तो वही हमें अब साइकोलॉजी है जब यहाँ पर स्टॉक गिर रहा था उस टाइम यहाँ पर मार्जिन का इफेक्ट था ओके okay, बट अभी मार्जिन का इफेक्ट नहीं है इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें लब टेन के आसपास क्या यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है तो हाईएस्टर नेट प्रॉफिट आ रहा है जब सब चीज हाईएस्ट एवर आ रही है कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही है तो आपको डरने की नहीं आपको खरीदने की जरूरत है एज वेल एज ईयरली जो परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई दे रही है जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ईयरली परफॉर्मेंस भी देखना बहुत जरूरी है तो कंपनी ट्रिमेंडस अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट दे रही है पिछले बारह महीने में टीटीएम की बात करें तो तीन करोड़ रुपए की सेल्स नेट प्रॉफिट देखिए सत्ताईस करोड़ के आसपास आ गया है कंपनी सैतालीस करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ये सीटें बता रही है कंपनी अच्छी है यहाँ पर बात करें रिजर्व बढ़ रहे हैं ओके यहाँ पर बॉडिंग थोड़ी कम हुई है यहाँ पर बात करें वर्किंग प्रोग्रेस में 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ कैश की बात करें तो चौदह करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है एज वेल एज अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पर एक चीज दिखाई देगी जो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है वो क्या है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रोमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी सिक्सटी सिक्स से फिफ्टी नाइन हो गई है लगभग छह से सात परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर बेची जा चुकी है ओके जिनने जॉली आशीष मिठानी ने यहाँ पर बेची है ओके ये पर्टिकुलर हिस्सेदारी और इसके अलावा इन्होंने भी यहाँ पर बेची है हैवना भव, बहन इन्होंने भी तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की तरफ से कम हुई है जो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है बट इतनी कम नहीं है अच्छी खासी होल्डिंग साठ परसेंट के आसपास की अभी भी है फोर्टी परसेंट की हिस्सेदारी पब्लिक की है और पब्लिक में बात करेंगे कुछ नए यहाँ पर चेहरे आते हुए दिखाई दिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है ओके और इसके अलावा बात करें लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो दस ग्यारह परसेंट की हिस्सेदारी इन्होंने ले रखी है और थोड़ी बहुत हिस्सेदारी मार्केट में और कुछ न्यूज जो ये न्यूज आई है तो न्यूज और चार्ट दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं ना तो याद रखिए एक अच्छा खासा शेयर में भागने की गुंजाइश बढ़ जाती है ओके okay, शेयर यहां पर और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो वही यहाँ पर हम अभी डिस्कस करने वाले तो के पी एनर्जी ओके इस शेयर से रिलेटेड हम एक बार बात कर लेते हैं आ, एक मिनट दीजिएगा केपी एनर्जी बी एस सी पे है एक मिनट दीजिए केपी अभी ओपन किया था हाँ देखिए तो केपी एनर्जी ओके इसी पे है। तो यहां पर चार्ट में भी दिखाई दे रहा है चार्ट में सबसे पहले और शेयर, वो सपोर्ट से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और शेयर हायर हाईस पर लगाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो रजिस्टेंस है ना वो नजर आ रहा है रजिस्टेंस के पास में चीजें रही है तो थोड़ा सा कौशियर से रहना है और यहाँ पर अभी इन्वेस्टिंग के पर्पज से बिल्कुल मैं सोचिएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग शेयर ऑलरेडी हंड्रेड से ज्यादा चल चुका है तो यहां पर फंसाने की कोशिश की जाएगी इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा तो यहां पर अगर शेयर आता है ये होगा कि यहाँ पर जाएगा शेयर अभी तो जैसे न्यूज आई है तो कल शायद ही अपर सर्किट में जाए ओके अपर सर्किट में जाने के बाद ये यह शेयर यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद कल मिल जाता है वैल एंड गुड नहीं मिलता तो छोड़ दीजिएगा चेज करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि चीजें ऊपर जाने का, फिर दोबारा नीचे जरूर आती है चीजें ऊपर जाने का, नीचे आती है इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा और उसके बाद जब चीजें भागेगी तब यहाँ पर नीचे आएगी भागेगी उस उस टाइम यहाँ पर खरीदिएगा तो शेयर में अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा और उस केसेस में अगर नीचे आएगा ये शेयर तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा और उस केसेस में यहाँ पर जो रिटर्न की बात की जा रही है फिर उस केसेस में यहाँ पर एक बेहतरीन आपको मिलते हुए नजर आएगी तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर से अच्छा खासा 603 मतलब यहाँ से भी 70 अस्सी परसेंट के आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो बट आपको कॉशियस रहना है ज्यादा लालच में नहीं पड़ना ऊपर के लेवल पे फंसना नहीं है ओके रिटर्न ना मिले चलेगा बट आपको फंसना नहीं है आपके पैसे को यहाँ पर डेंट नहीं लगना चाहिए आपके पैसे ट्रैप नहीं होने चाहिए ये मेरी कोशिश रहती है और इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट में काम भी करना चाहिए कंपनी अच्छी है अच्छी नजर आ रही है नंबर्स एंड ऑल सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है एक आ नेगेटिव पॉइंट है वो हम इग्नोर कर सकते हैं एज वेल एज जो ये खबर है वो एक पॉजिटिव खबर है और इसका जो पेमेंट आनी शुरू हो गई है वो तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर में आके यहाँ पर दिख जाएगी जो भी ये दिख जाएगी तो अच्छा खासा पैसा बनेगा तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा शेयर करिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस